सिमिलैरिटी चैप्टर में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे तीन थ्योरम्स। फर्स्ट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड थर्ड इज इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। आइए जानते हैं हमारी पहली थ्योरम क्या है। अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ वी हैव अ ट्रायंगल सच दैट देयर इज अ पैरेलल लाइन टू वन ऑफ द साइड्स एंड दिस पैरेलल लाइन कट्स द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्टली एट टू पॉइंट्स, देन दिस पैरेलल लाइन कट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल है ABC और DE पैरेलल टू BC है, तो ये जो DE लाइन है ये AB और AC को सेम रेशियो में कट करेगी, दैट मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। इसी रिजल्ट को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC होगा। नाउ कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ यू हैव ए लाइन DE that cuts the sides AB and AC in the same ratio, AD upon DB is equal to AE upon EC, then DE BC के parallel होगी। Now last internal bisector theorem, हमारे पास एक triangle है ABC और यहाँ पर एक line है AD जो कि angle A को bisect करती है, तो हमारे पास आएगा AB upon AC is equal to BD upon DC। यहाँ figure में देखते हैं AB upon AC इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। आइए जानते हैं अब इन थ्योरम्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। इस पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। इसमें हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड हमें ये वैल्यूज गिवन है, ए पी इज 4 सेंटीमीटर, पी बी इज 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सी क्यू एंड बी क्यू। सो यहाँ पर हम बी पी टी थ्योरम लगाएंगे, तो इसके लिए वर्किंग देख लेते हैं। सो हेयर वी आर टेकिंग सी क्यू एज एक्स, सो यहाँ पर हमारा पूरा बी सी 8 है, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। आई एम यूजिंग ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन बी क्यू। वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो सी क्यू आ रहा है हमारा 3.2 सेंटीमीटर, देयरफोर बी क्यू इज 8 माइनस 3.2 एंड दिस विल गिव, सो सी क्यू इज 3.2 सेंटीमीटर एंड बी क्यू इज 4.8 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। इसमें हमें गिवन है एक ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर है एंड हमें गिवन है पी एक्स इज 1 सेंटीमीटर, क्यू एक्स इज 3 सेंटीमीटर, वाई आर इज 4.5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है पी वाई एंड एक्स वाई। आइए जानते हैं इसे हम कैसे करेंगे। So using basic proportionality theorem, value substitute करते हैं, so py is coming 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई जिसके लिए हम प्रूव करेंगे पी एक्स वाई एंड पी क्यू आर को सिमिलर। एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर है और ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे,
इन दोनों को चूज करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो py इज कमिंग 1.5 सेंटीमीटर एंड xy इज कमिंग 2.25 सेंटीमीटर।